राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम सच एक रूप अनेक। दोस्तों, एक था विपिन, आपकी ही उम्र का था वो और आपकी तरह ही स्वभाव भी था उसका, यानी थोड़ा शरारती थोड़ा सीधा। हालांकि झूठ बोलना उसकी आदत नहीं थी, मगर कभी कभी किसी डर की वजह से जैसे लोग अक्सर झूठ बोल देते हैं वैसे ही वो भी झूठ बोल देता था। एक दिन विपिन से एक कप टूट गया। अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या होगा? अरे क्या टूट गया? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। कुछ नहीं टूटने की ऐसी आवाज होती है, मैं देखती हूँ क्या हुआ। हाय राम, ये नए सेट का प्याला, अरे किसने तोड़ा प्याला, बताओ फौरन। बिल्ली, बिल्ली माँ। बिल्ली? हाँ। बिल्ली कहाँ से आई? खिड़की दरवाजे तो सब बंद हैं। बिल्लू, बिल्लू माँ, बिल्लू। हाँ, बिल्लू से टूटा है प्याला, वो पानी पी रहा था ना इसलिए। बिल्लू? हाँ। बिल्लू ये प्याला वहाँ से उठा ही नहीं सकता। तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो विपिन? अरे क्या हो रहा है भाई, एक प्याले के लिए इतना तूफान। देखिए, खुद ही देख लीजिए ना, एक तो प्याला तोड़ दिया, ऊपर से झूठ भी बोलता है आपका लाडला। कौन, बिल्लू? अरे बिल्लू तो साफ साफ बोल भी नहीं सकता और अभी से झूठ बोलना शुरू कर दिया। देखिए, मजाक मत करिए, मैं बिल्लू की नहीं विपिन की बात कर रही हूँ। ये लड़का जरा जरा सी बात पर भी झूठ बोलता है। विपिन, माँ सच बोल रही है? जी। तुम क्यों झूठ बोले बेटा? प्याला तुमसे टूटा ये क्यों नहीं कहा? जी, माँ डांटती मारती। लो विपिन, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है बेटे, जानते हो ना? जी। फिर भी तुम झूठ बोले, बहुत बुरी बात है बेटा। जी, वो झूठ तो मैंने डांट से बचने के लिए बोला था पिताजी, और सब भी तो बोलते हैं झूठ। देखा आपने, अब आप ही समझाइए इसे। समझाना ही पड़ेगा, और समझाने के लिए तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ बेटे। एक था गांव, उस गांव के पास एक घनो जंगल था। उस जंगल में एक भेड़िया रहता था। गांव वाले उस भेड़िए से बहुत डरते थे। उस भेड़िए से मुकाबला करने के लिए वो हमेशा अपने साथ लाठियां और कुल्हाड़े लिए घूमते थे। फिर पिताजी? फिर क्या, उसी गांव में तुम्हारी उम्र का एक लड़का रहता था जिसका नाम था कालू। अच्छा? कालू बहुत शरारती था। एक दिन उसने शरारत करने के लिए गांव वालों के साथ अनोखा मजाक कर डाला। वो क्या? गांव वाले खेतों में काम कर रहे थे कि अचानक सबने कालू की चीख सुनी। बचाओ, बचाओ, गांव वालों बचाओ, भेड़िया, भेड़िया आ गया, भेड़िया। कहाँ है भेड़िया, कहाँ है भेड़िया? मैं तो आप सबको बुद्धू बना रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा था आप सबसे। गांव वाले कालू की हरकत से खिसे आ गए। सब अपने अपने काम पर लौट गए। दो दिन बाद उसने फिर यही हरकत की। गांव वालों बचाओ, बचाओ मुझे, भेड़िया आ गया, भेड़िया बचाओ। कहाँ है भेड़िया? मैं तो आप सबको उल्लू बना रहा था, मैंने आप सबसे झूठ बोला। हाँ।
बुद्धू बनाया। फिर क्या हुआ पिताजी? फिर तो कालू अक्सर इस तरह का झूठ बोलकर लोगों को तंग करने लगा। अच्छा। उसके झूठ से लोग शुरू में तो दौड़कर उसके पास आते रहे, मगर धीरे धीरे लोगों को ये विश्वास हो गया कि कालू हमेशा झूठ बोलता है। जी। इसलिए लोगों ने उसकी चीख पुकार पर ध्यान देना छोड़ दिया। अच्छा, पिताजी आगे क्या हुआ? आगे एक दिन कालू गांव के पास एक पहाड़ी के पीछे घूम रहा था कि अचानक वहां सचमुच भेड़िया आ गया। ये तो सामने से सचमुच का भेड़िया चला है। मैं क्या करूं? तो गांव वालों बचाओ बचाओ, अरे कोई तो आओ गांव वालों, मैं क्या करूं? बेचारा कालू, इस बार वो सच बोल रहा था, मगर गांव वालों ने समझा कि वो उन्हें फिर से बुद्धू बना रहा है। बस फिर क्या था, कोई उसकी मदद करने नहीं पहुंचा। और ये कि कालू को भेड़िये ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। क्या? हाँ बेटा, तुमने पूछा था ना कि झूठ बोलने में बुरा क्या है? जी। झूठ बोलने में सबसे बुरा तो यही है कि फिर सच बोलने पर भी लोग उसे झूठा समझने लगते हैं, जिससे कभी कभी बड़ा नुकसान भी हो सकता है, जैसा कालू के साथ हुआ। जी। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जी नहीं, मगर देखो बेटा, एक सीधी सी बात बताओ, क्या तुम ये चाहते हो कि कोई तुमसे झूठ बोले? नहीं माँ। तब विपिन, तुम वादा करो कि हमेशा सच बोलोगे। हाँ माँ। हाँ पिताजी, मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा सच बोलूंगा, हमेशा सच बोलूंगा। शाबाश। विपिन माँ और पिताजी की बात को अच्छी तरह से समझ गया और फिर उसने जो वादा किया था उसे निभाने की कोशिश भी करने लगा। इसी कोशिश के दौरान एक बार उसके साथ एक अनहोनी घटना घट गई। एक शाम वो घर से खेलने के लिए निकला, मगर जब लौटा तो घायल था। अरे विपिन, ये क्या हुआ बेटे? तुझे इतनी चोट कैसे लगी? अरे तेरी तो कमीज भी फटी है। क्या हुआ विपिन बेटे, क्या हुआ? अरे बोलते क्यों नहीं? बोल। वो आज पार्क के सामने वाली चाची जी के घर का शीशा टूट गया। तो? हाँ, तब मैंने उन्हें बता दिया कि गेंद संजय ने फेंकी थी। बस। तो संजय ने तुझे इतना मारा? अरे माँ, संजय ने ही नहीं, सभी लड़कों ने मुझे मारा। क्या? मुझे गधा कहा, शिकायती चट्टू कहा। अरे? और कहा अब कभी वो मेरे साथ नहीं खेलेंगे। चल चला बेटे, मैं तेरी मरम पट्टी करता हूँ। मैं कल ही सब लड़कों की माँ से बात करूंगी। अरे ये भी कोई तरीका हुआ? आ बेटा, आराम से माँ, बड़ी दर्द हो रही है। राजेंद्र जी। सरिता जी। अरे घर पे ही है ना? आइए आइए वासुदेव जी। अरे भाभी जी भी आई है। अजी विपिन की माँ, जरा जल्दी आओ। हाँ बुला लीजिए, साफ साफ बात हो जाए। साफ साफ बात? माजरा क्या है भाभी जी? ऐसा है भाई साहब जी, कि आपके सत्यवादी बेटे ने पार्क के सामने वाली भाभी जी को बता दिया कि उनकी खिड़की का कांच संजय की फेंकी हुई गेंद से टूटा है। आप तो जानते ही हैं वो कितनी झगड़ालू है। बस वो आ पहुंची हमारे घर और करने लगी हमसे झगड़ा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। सुनिए भाभी जी, अपने प्यारे बेटे की करतूत। और आपने अपने प्यारे बेटे की करतूत नहीं देखी? मेरे विपिन को ऐसा पीटा कि कोई दुश्मन को भी ना पीटे, बेचारे की कमीज फाड़ दी सो अलग। अरे ऐसा क्या? और क्या? नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते ताई जी। अरे अरे बेटे, ये तो सचमुच बहुत चोट लगी है। मैं खबर लूंगी संजय की। ऐसी भी क्या मारपीट? लड़कों की बदमाशी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है आजकल के बच्चे। अरे तो भाभी जी, ये सिर्फ संजय की करतूत नहीं है, सभी लड़कों ने मिलकर पीटा है विपिन को। हाँ। पर एक बात बताओ बेटे,
तुमने संजय का नाम पार्क के सामने वाली भाभी जी को क्यों बताया? वो पूछ रही थी कि गेंद किसने फेंकी है, तो मैंने सच बोल दिया क्योंकि मेरे माँ और पिताजी ने मुझसे वादा कराया है कि मैं हमेशा सच ही बोला करूंगा, हमेशा सच ही बोला करूंगा। दोस्तों, विपिन की बात सुनकर सब एकाएक चुप हो गए। किसी की समझ में नहीं आया कि अब वो विपिन से क्या कहें, या कुछ कहें भी या नहीं। उन्होंने भले ही विपिन से कुछ कहा हो या न कहा हो, मगर इस घटना के लिए उन्होंने दोषी विपिन को ही माना, जबकि उसने सच बोलकर एक अच्छा काम किया था। तो क्या विपिन सचमुच दोषी है? दोस्तों, ये है वो प्रश्न जिसका सामना आपको भी करना पड़ सकता है। सोचिए, अगर आप विपिन की जगह हो तो आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे? इस तरह की घटना के बारे में अपने मित्रों से, माता पिता से और अध्यापक से चर्चा कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर विपिन की जगह आप होते तो आप क्या करते? क्या आप शीशा तोड़ने वाले बच्चे का नाम बता देते? या अगर नाम न बताते तो क्यों नहीं बताते? इसके कारण सोचिए। इसके अलावा अगर आप नाम ना तो बताते और ना ही ना बताते बल्कि चुप रहते तो क्यों और किस लिए? सच एक, रूप अनेक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख मधुबी जोशी, कलाकार जैमिनी कुमार, मंजू मैनी, राम मैनी, सुनीति कोहली, प्रवीण शर्मा और आशीष बख्शी, ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और उपेंद्र नाथ, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, परियोजना परिकल्पना विषय संयोजन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।